हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही अलग होने वाला है। मैं आप लोगों को बताऊं कि हम भैंसे रखते हैं, तो आज काफ़ी दिन पहले एक भैंस की तो डिलीवरी हो गई थी, तो वो नाइट में हुई थी। उस टाइम मैं और पापा थे, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, लेकिन आज भैंस की डिलीवरी हो रही है तो मैं व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। जिसे मतलब जिन जिन को नहीं पता कि भैंस की डिलीवरी कैसे होती है, आप देखिए और व्लॉग को एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे जो दिख रहा है ना, वहाँ पे लाइट जली हुई है, वहाँ पे बंधी हुई है भैंस। तो अभी मैं भैंस के पास ही चलता हूँ, बहुत परेशान हो रखी है यार बेचारी। परेशान हो रही है बेचारी, मुंह फाड़ रही है। और अभी अभी टेविस आया था, भाग के गया अपनी मम्मी को बताने के लिए कि मम्मी अरुण की भैंस प्यान लाग रही है। गाइस, एक बल्ब तो वहाँ पे लगा हुआ है, तो इसकी रोशनी ठीक से आ नहीं रही थी, तो एक बल्ब मैंने यहाँ पे लगा दिया है, अब ठीक से क्लियर दिख रहा है। देखो भैंस बैठी हुई है, ये मुंह पाड़ रही है यार, बहुत परेशान हो रही है। खड़ी होगी जो भैंस का बच्चा है ना कटड़ा, वो अभी बाहर आएगा थोड़ी देर के बाद। मम्मी उसके लिए कुछ खाना ले आई और मेरे पापा तो पूरी तैयारी में है। थोड़ा सा जैसे भैंस की डिलीवरी होती है वो प्रोसेस बता गए सब लोगों को, जो हमारी ऑडियंस देख रही हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, ऑडियंस हैं, जो देख रही है वीडियो को, उनको भैंस की डिलीवरी का प्रोसेस बताओ, थोड़ा सा बताओ ना पापा। जैसा है। हेलो गाइस, अब ये इसको बोलते हैं खुरिया आना। अब ये खुरिया आ गए, अब थोबड़ी आएगी। थोबड़ी मतलब, मुंडी, मुंडी आएगी अब। जब आधा सिर बाहर आ जाता है, जब पकड़ के आराम से थनों की साइड में, ओढ़ी की साइड में खींचना पड़ता है नीचे की तरफ में, उसको डिलीवरी करवाना कहते हैं। हाथ से पकड़ के नीचे की तरफ खींचना पड़ता है और और फिर अगर मैं, हेलो गाइस, अगर मैं नहीं होता और मेरी बेटी यहाँ पर होती तो हमारी किसी की जरूरत नहीं थी, वो अकेली ही इसकी डिलीवरी करा देती, जो कि इंग्लिश ओनर से MA कर रखा है। ये कपड़ा दिया है मम्मी ने, जो बेबी आएगा, भैंस का बच्चा आएगा, जो उसको इस पे लिटाना है डिलीवरी के बाद। ये देखो, देखो पूरा जोर लगा रही है ये अभी मुंडी आने लगी है, जीभ आ गई है, मुंडी आ गई है, मम्मी। ये दोनों मम्मी मम्मी पैर मम्मी, तू की वीडियो शूट करके मम्मी। यहाँ से अब डिलीवरी होगी भैंस की। अच्छा पापा ये बता, ये कटिया होगी या कटड़ा होगा? कटिया। ये काचड़ा गाइस, 10 दिन पहले एक भैंस की डिलीवरी हुई और हुई थी हमारी, जो वहां कटिया बंधी हुई है, उसने कटिया दी थी, मतलब फीमेल। और इसको देखते हैं क्या होगा, फीमेल होगा या मेल होगा। ओह शिट, हो गई होगी। नीचे दिखा कैमरा, कर अरे कटिया है, कटिया कटिया आ गई है गाइस, हमारी जी हमारी कटिया आ गई। अरुण पास सुद्धा कर, अरे तू कैमरा ने सुद्धा कर ले, पास सुद्धा कर ली। ये कटिया है, कटिया नीचे दिख, पीछे हट जा, दीवार के टच कर कैमरा ने। पता नहीं था मैंने उठा के मुझे पकड़ ले, चादर में पकड़ ले, एक आगे दिया नहीं क्लोज कर दे। नीचे ये ले, नीचे कर, नीचे नीचे आनू मैं भी आऊं जो थोड़ी आगे। हाँ गाइस, फाइनली भैंस की डिलीवरी हो गई है और फीमेल बेबी आया है हमारा। भैंस की डिलीवरी हो गया गाइस, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घर पे आओ गाइस, दूध पिलाएंगे बढ़िया जबरदस्त। और गाइस टेविस भी आ गया अब बेबी को देखने के लिए। कैसा है बेबी, है बताने? तने बड़ी शर्म आवे है, घूंघट काट लिया अगर तू शर्म आओ तो। छोटा सा हरी ने शर्म आओ, कैमरे आगे देख जा पापा। हाँ। के कर के पापा सूंड बंद है, बेबी है, छोटा बेबी, मम्मी छोटा बेबी है। दे मैं पापा, गाइस इसकी जो सूंड होता है, सूंड जो हमारी यहाँ पे सूंड होती है, ये ना भी इसको कट करके और बांधना पड़ता है, तो मैं बांध रहा हूँ अभी इसको नीचे कर लिया बस। टेबी से मैं सुपरी टिका रहा हूँ, दिखा दियो।
आगे में फोन में आगे आगे बना दिया था, मैं बाइक चला दिया था तो मैंने देखो बस ऊपर सीखते हैं, बुरा सीखते हैं। तेरा पापा काट करने से ये इसको चाट रही है, भैंस इसको, इसका बच्चा है, इसको चाट रही है, पूरी रात इसको चाटते कैसे? चाट देना, चाट दिया, कटिया नहीं है पूजा, बढ़िया जो है। और तेवीस इसको कैसे देख रहा है? मन पर ले गई थी तो कटिया मरकड़े जोटे इधर या तेवीस से अब कैमरे में एक बार कमेंट में पूछते रहे तेरे तेवीस क्यों ना आता वीडियो में। नो गाइस मैं पढ़ने पर ध्यान दे रहा हूं, बता दे बोले गाइस टेविस बोल रहा है बेबी को टच करने के लिए, पहला टच कर, अब टच करके दिखा। अब तू बोल रहा था और झूठ भी बोल रहा है, इस तरह पापा ले रहा कैमरे में तो अच्छे से आने रहा। अब उसको टच कर एक बार, टच कर, टच कर क्या बैठ के पूछ कर ले मेरे पूछ दिया गाइस। डिलीवरी से तो पहले तो ये बहुत गुस्सा थी लेकिन अब नॉर्मल हो गया, और जो खाने में डिलीवरी के बाद हमने इसको दिया है मेथी और गुड़, अब ये नॉर्मल है एकदम से, और इसका बेबी यहाँ पे लेटा हुआ है और अब ये ऐसे ही रेस्ट करेंगे, अपने बच्चे को प्यार कर रही है, ये प्यार से चाट रही है उसको बच्चे को, और पापा देख रहे हैं कि कहीं वो जो सूंड होता है ना, अभी मैंने उसको नापी से बांधा था टाके से, कभी उसको ना उखाड़ दे मुँह से, ये पापा उसकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। गाइस भैंस की डिलीवरी अच्छे से हो गई है, तो इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तभी के लिए बाय बाय।